हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर, जिसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कंज्यूमर को कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहिए। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करता है तो जो डैमेजेस होंगे या जो जो लॉसेज होंगे वो उसके लिए खुद ज़िम्मेदार होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, बी अवेयर होना पड़ेगा, कंज्यूमर को अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा मार्केट के रिगार्डिंग। मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट होते हैं, कौन से मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड है, कौन से मैन्युफैक्चरर कौन से इंग्रेडिएंट्स के साथ सेल आउट कर रहे हैं, तो मार्केट का फुल इंफॉर्मेशन होना ये कंज्यूमर के पास होना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 2 हम लोगों ने देखा, फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस। जब कोई प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है या प्रोडक्ट बनाता है तो वो उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है उसका इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है। तो जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर का। कंज्यूमर को इतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करें। बहुत सारे मेडिसिंस या सीरप जो होते हैं वो एज वाइज डिवाइड होते हैं, छोटे बच्चों के लिए अलग, ओल्ड एज वालों के लिए अलग। तो अगर हम ओल्ड एज वालों का जो सीरप है या जो मेडिसिन है वो अगर हम स्मॉल बच्चों को देने लगे या छोटे बच्चों को देने लगे तो वो जो मेडिसिन है उसका पॉजिटिव रिएक्शन नहीं होगा, फिर वो नेगेटिव रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन मैनेजर्स के द्वारा या मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा या सेलर्स के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है उसे फॉलोअप करना चाहिए। कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट लेता है उससे उसके लेबल्स को रीड करना चाहिए, रीड लेबल्स केयरफुली। जब मैन्युफैक्चरर्स कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तो लेबलिंग में वो सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब वो प्रोडक्ट को पैक करता है और लेबल करता है तो लेबलिंग में वो सारा मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, वेट, ओके, कितना इसका वज़न है, वो सारा कुछ उसमें वो मेंशन करता है और कंज्यूमर को ये पढ़ करके प्रोडक्ट को लेना चाहिए। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था असर्ट योर सेल्फ। कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है या कोई भी सर्विस को यूज़ करने वाला है वो उसके बारे में जान पाए कि मैं जो डीलिंग कर रहा हूँ, मैं जो डील कर रहा हूँ वो फेयर डील है। इतना नॉलेजेबल या इतना इंटेलिजेंट तो कंज्यूमर को होना पड़ेगा कि वो समझ पाए कि जो मैं डीलिंग कर रहा हूँ वो जेन्युइन है या नहीं है। तो आज इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पॉइंट नंबर 6, और पॉइंट नंबर 6 हमारा है आस्क फॉर अ कैश मेमो। ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज दिस वुड सर्व एज अ प्रूफ ऑफ द परचेज मेड। जब हम मार्केट विजिट करते हैं या कंज्यूमर जो है वो मार्केट में विजिट करता है और मार्केट में विजिट करने के बाद नंबर ऑफ सेलर्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल सेलर 1, सेलर 2, सेलर 3, सेलर 4 और एट्सेट्रा, बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल होते हैं। अब सेलर 1 के पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमें सेलर 2 के पास भी अवेलेबल हो सकता है, जो सेलर 2 के पास है वो सेलर 4 के पास, 3 के पास भी अवेलेबल हो सकता है। अब एक कस्टमर है, कस्टमर ए, जब वो मार्केट में विजिट करेगा और सेलर 1 के पास आएगा और कोई प्रोडक्ट परचेस करेगा और उसने अगर कैश मेमो नहीं लिया है और प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया तो वो सेलर 1 के पास जाएगा, वो चला गया सेलर 3 के पास कि मैंने आपसे प्रोडक्ट लिया और आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया, तो वो क्या मांगेगा कि वो मांगेगा कैश मेमो दो, उसके पास तो कैश मेमो है नहीं। या वो सेलर 1 के पास ही जाएगा और बोलेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव निकल गया, सो डैट मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ, मुझे इसके बदले में कंपनसेशन चाहिए। तो वो मांगेगा कि आप कैश मेमो दिखाओ, जब आपने गुड्स को परचेस किया होगा तो मैंने आपको कैश मेमो दिया होगा तो आप मुझे वो दिखाओ, मैं आपका कंपनसेशन कर दूंगा।
तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो या कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है, चाहे वो गुड्स हो या वो सर्विस के रिगार्डिंग हो, तो ये कंज्यूमर का अधिकार है, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैश मेमो के लिए बोले। किसे बोलेगा? वो सेलर को बोलेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? कंज्यूमर का है कि जब वो सेलर के शॉप में विजिट करे, जब वो कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करता है, तो परचेस करने के बाद उसे कैश मेमो मांगना चाहिए, और वो जो कैश मेमो है वो उसका प्रूफ है। अब सेलर वन ने तो कैश मेमो दिया नहीं, और ना ही कंज्यूमर ए ने कैश मेमो मांगा, और जब प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया, ये जब इसके पास विजिट करेगा तो ये बोलेगा कि आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि आपने मेरे शॉप से लिया, ये प्रोडक्ट तो सेलर टू, सेलर थ्री, सेलर फोर, सो ऑन, ये सारे सेलर्स के पास अवेलेबल है, मैं कैसे मान लूँ कि आपने मेरे शॉप से लिया है, आपके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है। तो कैश मेमो क्या रोल प्ले करता है? प्रूफ, एक एविडेंस के तौर पर रोल प्ले करता है, और वो ये बताता है कि हमने किस शॉप से कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस में और किस डेट को परचेस किया है। अगर आप कैश मेमो देखोगे तो वो क्या कंटेन करेगा? प्राइस कंटेन करेगा, शॉप का नाम, नेम ऑफ द शॉप, और प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बारे में, ओके, डेट आप उसमें देख सकते हो, तो वो सारा कुछ उसमें मेंशन रहता है। अब हम ये बता सकते हैं कि जब ए ने प्रोडक्ट परचेस किया और कैश मेमो उसने मांगा, और जब सेलर वन ने उसे कैश मेमो दिया, तो वो एक प्रूफ के तौर पर काम करेगा, और फ्यूचर में जब भी वो प्रोडक्ट ख़राब होगा या डिफेक्टिव निकलेगा, तो मिस्टर ए जा कर के वहाँ से अपना रिकवरी ईजिली कर पाएगा, क्योंकि उसके पास प्रूफ अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 7, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स। कंज्यूमर को थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने प्रति। वो वैसे शॉप में विजिट करे जिस शॉप में लीगल कोई प्रोडक्ट को सेल आउट किया जाता हो, या वो शॉप लीगली वहाँ पर रन कर रहा है, या वैसे प्रोडक्ट को परचेस करे जिसको लीगली अप्रूवल मिला है, गुड्स और सर्विसेज। ओके, तो वैसे प्रोडक्ट या वैसी सर्विसेज जिसको कानून ने सेल आउट करने के लिए परमिशन दे दिया है। ओके, तो कंज्यूमर को वैसे ही प्रोडक्ट परचेस करने चाहिए जिसको लीगली अप्रूवल मिल गया है। अगर कंज्यूमर लीगली अप्रूवल प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगा, या उस सर्विस को जो लीगली जिसको अप्रूवल मिल गया है, और उसके बाद वो इन प्रोडक्ट को परचेस करता है या सर्विस को यूज़ करता है, और उसके बाद अगर उसे डैमेजेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, तो वो खुद उसके लिए ज़िम्मेदार होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करते हैं ब्लैक मार्केटिंग की, तो ब्लैक मार्केटिंग में क्या होता है कि जो हमें सेलर के पास, फॉर एग्ज़ाम्पल जो जेन्युइन सेलर है, जो ईमानदार सेलर है, उसके पास अगर हमें कोई प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ में अवेलेबल है, और हम ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू जाएंगे और हम वही प्रोडक्ट को अगर 130 में परचेस करेंगे, तो हम उसके लिए कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं? 30 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अब अगर हमें लॉस होगा तो इसके लिए हम खुद ज़िम्मेदार होंगे, कंज्यूमर खुद ज़िम्मेदार होगा। कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि कैसे वो लीगली गुड्स को परचेस करें, या उन तरीकों की ओर वो नहीं जाए, या उन लोगों के पास वो नहीं जाए जो गुड्स तो अवेलेबल करवाते हैं लेकिन उनके पास कोई राइट्स नहीं होता है, या वो लोग कैश मेमो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लीगली वो लोग को अप्रूवल नहीं दिया जाता है या नहीं मिला होता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 8, फाइल अ कंप्लेंट इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। अगर किसी कंज्यूमर को लॉस होता है या वो डैमेजेस को बेयर कर रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? एक राइट डायरेक्शन होना चाहिए, एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पर वो अपने कंप्लेन को
फाइल कर पाए। इन द केस ऑफ शॉर्ट कमिंग इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज अवेल डू नॉट फेल टू टेक एन एक्शन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व इज स्मॉल। ये जो पॉइंट है वो ये डिफाइन करता है कि जब भी कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है या कोई भी सर्विस को वो यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद ये पता चलता है कि जितना क्वालिटी उस प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था या उस गुड्स के बारे में बताया गया था और सर्विसेज के बारे में बताया गया था, तो परचेस करने के बाद कंजम्पशन के बाद उतना क्वालिटी या उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। अब कंज्यूमर क्या करेगा? अगर कंज्यूमर अवेयर है तो वो केस फाइल करेगा, अगर कंज्यूमर अवेयर नहीं है तो वो केस फाइल नहीं करेगा। उसके साथ सेलर ने फ्रॉड किया है, वो उस फ्रॉड को के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर है वो इलिटरेट है, हमारा कंज्यूमर अवेयर नहीं है। लेकिन अगर हम लोग दूसरी ओर देखते हैं तो वहीं पर हमें दूसरा कस्टमर मिलता है जो हर छोटी छोटी बातों को लेकर के जागरूक है, अवेयर है। वो ये सोचता है कि जितना अमाउंट ऑफ मनी मैंने स्पेंड किया है या खर्च किया है, एटलीस्ट उतना सेटिस्फैक्शन तो हमें मिलना चाहिए। तो ये पॉइंट बोलता है कि आप अगर कम पैसे में ही किसी प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पैसा इन्वॉल्व हुआ है, मनी खर्च हुआ है, लेकिन मनी कितना खर्च हुआ है, बहुत कम खर्च करने के बाद जो हमने प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज़ किया उसका क्वालिटी वैसा नहीं था जितना उन्होंने बताया एडवर्टीजमेंट में, जितना उन्होंने लेबल्स के थ्रू हमें बताया। तो ये कंज्यूमर का राइट है कि वो कंप्लेन फाइल करे। ओके, अगर वो कंप्लेन फाइल करेगा तभी तो उसको न्याय मिल पाएगा, तभी तो उसको उसका कंपनसेशन अमाउंट मिल पाएगा। अगर वो ये काम नहीं करेगा तो वो अपने साथ साथ नंबर ऑफ कंज्यूमर के लिए भी एक गलत एग्जाम्पल सेटअप करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी। इसमें एक चीज़ ये रह गया कि कंज्यूमर फोरम क्या है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, वो अपने कंपनसेशन अमाउंट या जो क्वालिटी फेलियर हो गया वो उसके रिगार्डिंग केस फाइल कर सकता है। सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? तो सबसे पहले वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, देन वो जाएगा स्टेट कमीशन के पास, देन वो जाएगा नेशनल कमीशन के पास। तो यहाँ से उसको न्याय मिलने का होप रहेगा, उम्मीद रहेगा, और एट द एंड अगर वो जिनविन है, उसके साथ गलत हुआ है, तो कोर्ट के द्वारा या कमीशन के द्वारा उसे कंपनसेशन अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा सेलर के द्वारा या मैन्युफैक्चरर के द्वारा। पॉइंट नंबर 9, फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी। When would play an active part in educating consumer and safeguarding their interest। बहुत important है कि जो हमारा consumer है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो aware तभी होगा जब उसके पास education होगा। जब अगर education नहीं होगा तो हम consumer को बहुत ज़्यादा benefits नहीं provide करवा पाएंगे। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया है, तो गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया और वो टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग भी करता है, सुपरवाइज भी करता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है वो कंज्यूमर को करना है, इसीलिए इस पॉइंट को कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिगार्डिंग डील किया गया है। ये कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाने कि उसको राइट्स क्या प्रोवाइड किया गया है, रिलीफ्स क्या है, ग्रीवेंसेस क्या क्या प्रोवाइड किया जा सकता है, या उसको लॉस होगा तो लॉस को कैसे कंपेंसेट किया जाएगा। ये तब होगा जब कंज्यूमर हमारा एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा।
उसको पता होना चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट को कैसे सेफगार्ड कर सकता है, कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, कैसे बचा सकता है। तो फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी से क्या होगा कि हम कंज्यूमर को पढ़ा सकते हैं, कंज्यूमर को हम इंफॉर्मेशन पास आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इसमें बहुत सारे विलेजेस हैं। अब हर विलेजेस के लिए हम क्या करेंगे, एक कमिटी फॉर्म करेंगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाएंगे। तो ग्रुप ऑफ पीपल क्या करेगा, उस पर्टिकुलर विलेज में जा करके इंफॉर्मेशन पास आउट करेगा, कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में बताएगा, उनके रिलीफ्स के बारे में बताएगा, वो कैसे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेफगार्ड कर सकते हैं, उनको उसके रिगार्डिंग वो एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, कैसे वो अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में आवाज़ उठा सकते हैं या कंज्यूमर राइट्स को वो यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने उसके साथ गलत किया है तो वो उसके साथ कैसे उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ तभी होगा जब हमारे कंज्यूमर पढ़े लिखे होंगे। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब वो खुद अपने से इंटरेस्ट दिखाए। पॉइंट नंबर 10, अवॉइड लिटरलिंग। इट मींस रिस्पेक्ट एंड वैल्यू द एनवायरनमेंट एंड अवॉइड एनीथिंग एनी एक्टिविटी दैट वुड एडवर्सली अफेक्ट इट। बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस जगह हम रहते हैं, दैट इज़ आवर सराउंडिंग, आवर एनवायरनमेंट, वो नीट एंड क्लीन हो। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग पॉल्यूशन की बात करते हैं तो नॉइस पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। तो इन पॉल्यूशन से हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने देश को नीट एंड क्लीन रखे, अपनी लोकेलिटी को नीट एंड क्लीन रखे, अपने स्टेट को नीट एंड क्लीन रखे। ओके, जिस जगह से वो बिलोंग कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया को वो नीट एंड क्लीन रखे। तो ये बोलता है कि कंज्यूमर को इतना अवेयर होना चाहिए कि वो अपने इन्वायरमेंट की रिगार्डिंग थोड़ा सा सतर्क रहे, थोड़ा सा एक्टिव रहे। अगर कोई कंज्यूमर वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है जिसको इलीगल बनाया गया है, जिसको इलीगल कैटेगरी में रखा गया है, फिर भी कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर रहा है और सेलर को वो बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहा है, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन प्ले करेगा, वो कंज्यूमर प्ले करेगा। कंज्यूमर को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए और रिस्पेक्ट और वैल्यू करना चाहिए इन्वायरमेंट को। वैसे प्रोडक्ट को बैन करवा देना चाहिए जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होंगे। अगर वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं तो वो ह्यूमन के लिए भी तो हार्मफुल होंगे, क्योंकि ह्यूमन बींग जो है वो इसी इन्वायरमेंट और सराउंडिंग में सर्वाइव कर रहा है। अगर हमारा इन्वायरमेंट या सराउंडिंग ख़राब हो जाएगा तो हम यहाँ पर कैसे ब्रीथ कर पाएंगे, कैसे जी पाएंगे, कैसे अपने आप को सर्वाइव करा पाएंगे। द नेक्स्ट वी हैव इज वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वेज क्या है, मीन्स क्या है कि हम कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाए। पॉइंट वाइज यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर अवेयरनेस। अ वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर विल बी अबल टू स्पीक आउट अगेंस्ट एनी अनइथिकल बिजनेस एक्टिविटीज। अगर हम बात करते हैं कि कंज्यूमर को कैसे हम इतना कैपेबल बना दे या पावरफुल बना दे कि वो अपने लिए स्टैंड ले पाए या सेलर के अगेंस्ट वो केस फाइल कर सके, तो उसके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कौन सा इंफॉर्मेशन, उसके राइट्स के बारे में, रिलीफ्स के बारे में, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने बनाया, जो स्टेट कमीशन ने और नेशनल कमीशन ने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो अपने लिए कंपनसेशन अमाउंट ले सकता है मैन्युफैक्चरर और सेलर से। तो वो उस जगह जाएगा, वो कब जाएगा, जब उसके पास इंफॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगा। तो कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए। अब जो कंज्यूमर ज़्यादा एजुकेटेड होगा, जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा, वो अपने लिए स्टैंड ले पाएगा, अपने लिए वो बोल पाएगा। ओके, कोई व्यक्ति तभी अपने लिए स्टैंड ले पाएगा या बोल पाएगा जब उसको पता होगा कि उसने कहाँ पर गलती किया, तो उसको वो रेक्टिफाई करेगा, किसने उसके साथ गलत किया
और वो कहाँ से, किसके द्वारा और किसके थ्रू वो कंपनसेशन अमाउंट ले सकता है। और अगर कंज्यूमर पढ़ा लिखा होगा तो वो बोल पाएगा अनइथिकल बिजनेस एक्टिविटीज़ से। बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमाने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर देता है जो लीगली करेक्ट भी होता है और इलीगल भी हो जाता है या अनइथिकल होता है, जिसको हम मानते हैं कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होगा, ये हमारे कंज्यूमर के लिए हार्मफुल होगा, वो उसके हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। तो बिजनेस जो है अगर वो अनइथिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो एक वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर जो होगा वो उसके अगेंस्ट में बोल पाएगा और वो केस कर पाएगा, क्योंकि हो सकता है अनइथिकल बिजनेस एक्टिविटी से हमारा इन्वायरमेंट हार्म हो जाए, हमारे सराउंडिंग पे असर पड़े, और उसी सराउंडिंग में अगर हम सर्वाइव करेंगे तो हम नंबर ऑफ डिजीज़ को इनविटेशन देंगे। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेसेस। बिजनेसेस दैट वैल्यू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अडहायर टू इथिकल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिस वाइल वर्किंग विद कस्टमर। देखो, बिजनेस को इतना तो सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ रेगुलेटिंग होना चाहिए कि वो उन सारी एक्टिविटी को छोड़ दे या उन सारी एक्टिविटी से वो मूव ऑन कर जाए जिससे सोसाइटी को हार्म होगा, जिससे कंज्यूमर को हार्म होगा। वो प्रैक्टिस नहीं करे जिससे कंज्यूमर को प्रोडक्ट लेने के बाद या प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद हार्म हो जाए, नुकसान हो जाए। तो बिज़नेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तरीका अपनाए जिससे वो अपनी बिज़नेस के इंटेंशन को पूरा कर पाए, यानी जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कमा पाए, और वो साथ में गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाए, गवर्नमेंट के साथ मिल करके या कंज्यूमर के साथ मिल करके वो अपनी नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर पाए। और वो जो काम करे वो इथिकल होना चाहिए, सही होना चाहिए, नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 बोलता है गवर्नमेंट। ओके, द गवर्नमेंट सेफ गार्ड्स कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेफ गार्ड किया है, यानी प्रोटेक्ट किया है किस चीज़ को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। ओके, बाय एस्टैब्लिशिंग वेरियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन। गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया लॉ बना करके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के बाद गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर दिया, लेकिन वो टाइम टू टाइम क्या करता है, मॉनिटरिंग करता रहता है। क्यों करता है, ताकि जो हमारा कंज्यूमर है, वैसे कंज्यूमर जो बहुत ज़्यादा जिनके पास एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है, ओके, या लैक ऑफ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने के कारण कोई भी सेलर जो है वो उनके साथ क्या कर सकता है, गलत कर सकता है, या वैसे प्रोडक्ट को वो सेल आउट कर सकता है जो प्रोडक्ट उनके लिए हार्मफुल होंगे, है ना, तो रॉन्ग कर सकता है, उनके साथ गलत कर सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, रेगुलेट, वो टाइम टू टाइम उसे रेगुलेट भी करता है। और मैंने आपको बताया कि एक एक्ट जो है वो 1986 में बनाया गया और उसका पावर बूस्टर क्या होता है, 2019 जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो पावर बूस्टर है, अगर ये पावर बूस्टर है तो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम वहाँ पर देखा कि समय के साथ हमें भी थोड़े से चेंजेस करने चाहिए।
जो कंपनसेशन अमाउंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1986 के टाइम पर था वो आज के टाइम पर तो कम पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या किया गया, रिवाइज किया गया। जो कंपनसेशन अमाउंट डिस्ट्रिक्ट में था या स्टेट में और नेशन में, नेशनल कमीशन में, तो वहाँ पर उसको रिवाइज करके यहाँ पर क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। तो इंक्रीज करने का कारण ये था कि हम कंज्यूमर के साथ या उसके फेवर में बात कर सके। ओके, अगर उसका हनन हुआ है, उसका लॉस हुआ है, तो उस लॉस को हम करेक्ट अमाउंट के साथ कंपनसेट कर पाए। अगर उसका लॉस ज़्यादा हुआ और हम 1986 के तहत ही उसको कंपनसेट कर पाए, क्या वो सही होगा? नहीं होगा ना। तो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है वेरियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन। अब यहाँ पर क्या करना होगा, कंज्यूमर को अवेयर होना पड़ेगा कि वो जान पाए कि गवर्नमेंट ने अगर उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया है तो वो उसको कैसे और अपने ऊपर लागू करवा सकता है, या उसके साथ कभी गलत होगा तो वो उसको रेक्टिफाई कर सकता है, सुधार सकता है। गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को उसने देखा, उसने ये भी देखा कि कंज्यूमर जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो सेलर उन्हें ज़्यादा प्राइस बता करके प्रोडक्ट को सेल आउट कर देते हैं, और वैसे प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, उनसे प्राइसेस भी ज़्यादा लिया जा रहा है, और कभी कभी वैसे हार्मफुल प्रोडक्ट को सेल आउट कर देते हैं सेलर्स जो कंज्यूमर के लाइफ के लिए डेंजर हो जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना काम किया है, प्रोटेक्ट किया है, सेफगार्ड किया है, किस चीज़ को, इंटरेस्ट को, किसके इंटरेस्ट को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, बिजनेस एसोसिएशन। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, दैट इज फिक्की, एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये क्या करता है, ये एक एसोसिएशन है, बिजनेस एसोसिएशन है, जिसका काम क्या है कि एक्टिविटीज़ को देखना। ओके, बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखना। मैंने आपको बताया था कि जैसे काउंसिल होता है, अगर मैं कोई व्यक्ति जिसने LLB किया है वो अपने आप को कहाँ रजिस्टर करवाएगा, तो बार काउंसिल में। बार काउंसिल क्या एक एसोसिएशन है जिसके लॉ को मान करके वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने आप की जो उसका जो प्रोफेशन है उसमें सर्विस प्रोवाइड, सर्विस मोटिव से सर्विस प्रोवाइड करेगा। डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या करता है, ओथ लेता है। ओथ लेने के बाद वो ये बोलता है कि मेरे पास जितने पेशेंट आएंगे मैं उनको अच्छे से देखूंगा, उनका इलाज करूंगा, ट्रीटमेंट करूंगा। तो वहाँ भी देखो कि जो व्यक्ति डॉक्टरी करता है या MBBS का पढ़ाई किया है तो उसने भी अपने आप को कहीं ना कहीं एसोसिएट किया है कोई किसी एक एसोसिएशन से, बार काउंसिल से, LLB करने वाले लोगों ने किया है। तो उसी तरीके से बिजनेस एसोसिएशन में हम देखते हैं कि जो फिकी है वो क्या देखता है, देखता ये है कि कैसे हम बिजनेस की एक्टिविटीज़ को बेटर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो हेल्प करता है बिजनेस को डेवलप करने में, नेटवर्किंग वो करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, इंटर स्टेट में वो सही तरीके से गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो पाए वो उस चीज़ को देखता है, उस चीज़ को रेगुलेट करता है। ओके, तो ये जो है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, जिसके तहत कंज्यूमर को भी अवेयर होना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने उसके फेवर में कौन कौन सी चीज़ें बनाई है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पहले बात किया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर, जिसमें हम लोगों ने पॉइंट नंबर 6 से लेकर के पॉइंट नंबर 10 तक डिस्कस किया। ओके, देन हम लोगों ने बात किया वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट बात किया। इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।